सप्रेम आत्मा मालिक, परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमौली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के इस योग सत्र को शुरुआत करता हूँ। सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन और पद्मासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में संत श्वसन करना है, ध्यान करना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा अवस्था में अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखकर हमें संत श्वसन करना है। दोनों कंधों को नॉर्मल तरीके से झुका कर रखना है। दोनों हाथों के कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या जांघों के नज़दीक लेके जाते हुए दोनों हाथों को रखकर हमें इस ध्यान पोजीशन पर लक्ष्य केंद्रित करना है। संत श्वसन होने के पश्चात हमें ओमकार का उच्चारण करके फिर अपने सत्र की ओर आगे प्रस्थान करना है। ग्यारह बार हम ओमकार नाम का जप करेंगे। लंबी सांस लेनी है, दीर्घ सांस लेनी है। सांस छोड़नी है, फिर एक बार लेनी है, छोड़नी है। अब जब हम सांस लेंगे तब हमें ओमकार का उच्चारण करना है।
दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में जोड़कर हमें अपने सीने के सामने, चेस्ट के सामने दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में रखना है और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानम तीन योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ के रफ करके हमें अपने चेहरे के सामने, दोनों आंखों के सामने दोनों हाथों को लगाकर, हाथों के पाल्म्स को लगाकर हमें दोनों आंखों को खोलना है और वार्म अप की अवस्था में, दंडासन की अवस्था में हमें जाकर शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि खड़े होकर किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम है उनको अब हम करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लेके जाते हुए हमें रिस्ट रोटेशन करना है। दोनों रिस्ट को हमें घुमाना है। दोनों एल्बो से हमारे दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है। रिलैक्स, रिवर्स करना है, उल्टी दिशाओं में दोनों रिस्ट को घुमाना है। फिर एक बार ऊपर लेके जाते हुए दोनों हाथों को रिवर्स तरीके से, उल्टे तरीके से हमें घुमाना है। रिलैक्स, अब फिंगर्स करनी है। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाते हुए हमें अपने फिंगर्स को एक साथ क्लोज करना है और ओपन करना है। मुट्ठी को बंद करते ही एक साथ मुट्ठी को ओपन करना है, खोलना है। रिलैक्स, दोनों हाथों को सावकाश धीरे धीरे हम नीचे की ओर लाकर पूर्वावस्था में लाएंगे। अब हमें होल्ड करना है। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ के पंजे को या उंगलियों को अपने दाहिने हाथ की मदद से नीचे की ओर खींचेंगे।
रिलैक्स। अब हमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की मदद से पीछे हम खींचेंगे और स्थिति बनाकर होल्ड करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों में कम से कम आधा से एक फीट का अंतर हम लेकर के दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे और अपनी गर्दन को, ग्रीवा को अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। कंटिन्यू दोनों साइड को, अपनी गर्दन को, दोनों साइड अपनी गर्दन को हमें ट्विस्ट करते रहना है। अप एंड डाउन करना है ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ हमें अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है। रिलैक्स, टाइप टू करना है अपने लेफ्ट साइड की ओर और राइट साइड की ओर अपनी गर्दन को हमें होल्ड जैसा करना है, फोल्ड करनी है गर्दन। रिलैक्स, दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हुए दोनों कंधों को नीचे की ओर खींचना है दोनों हाथों की मदद से, और अपनी गर्दन अपने लेफ्ट साइड अपने बाएं साइड की कंधे के ऊपर हमें फोल्ड करनी है और स्थिति होल्ड करनी है। रिलैक्स, साइड चेंज, अपने अपोजिट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, दाहिने साइड के कंधे के ऊपर हमें अपनी गर्दन को फोल्ड करना है और स्थिति को होल्ड करना है। रिलैक्स, अब हमें दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर स्कंद संचालन करना है, शोल्डर रोटेशन करना है।
रिलैक्स। अब उल्टी दिशाओं में हमें स्कंद संचालन करना है, शोल्डर रोटेशन करना है। रिलैक्स। फिर एक बार दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर लेकर के हमें दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखकर हमें अपने कमर को, हिप को सर्कल घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, हिप रोटेशन करना है। रिलैक्स। रिवर्स उल्टी दिशाओं में अपने कमर को, हिप को हमें घुमाना है। रिलैक्स। अब हमें 11 सूर्य नमस्कार निकाल करके फिर आसन की ओर, बैठक स्थिति में किए जाने वाले आसन की ओर जाना है। सबसे पहले हम अब सूर्य नमस्कार पूर्व अवस्था में आएंगे। सूर्य नमस्कार पूर्व अवस्था। दोनों हाथों को नमस्कार स्थिति में, अवस्था मिला करके हमें अपने सीने के सामने, चेस्ट के सामने दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में रखना है। एक की गिनती शुरू होते ही हमें दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाते हुए कमर से पीछे की ओर झुकना है। जितना सहज शक्यता से हम पीछे की ओर झुक सकते उतना झुकना है। लंबी सांस लेनी है। 1-2 सांस छोड़ते ही पादहस्तासन। 3-4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, रिलैक्स, शयन स्थिति में हमें जाना है और विश्राम करना है। शवासन हमें करना है। शारीरिक व्यायाम
और सूर्य नमस्कार करके बॉडी में गर्माहट तैयार हुई है, इसी के चलते हमारी सांस ज़्यादा फूलने लगी है। ज़ोर ज़ोर से हमें सांस लेनी पड़ रही है और छोड़नी पड़ रही है। ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया अपने शरीर के अंदर सूर्य नमस्कार और ओम की वजह से होती है। थकान हमें महसूस होती है। किन किन साधकों को घबराहट भी महसूस होती है, पर घबराने की बात कोई नहीं है। सिर्फ जब आप थक जाओगे, जब आपको थकान महसूस होगी, तब आपको शवासन अवस्था में जाकर 3 से 5 बार लंबी सांस लेनी है और उस सांस को छोड़ना है। अपने हृदय की जो धड़कन हमें तेज महसूस हो रही थी, वो अभी नॉर्मल तरीके से स्लो हो गई है, धीमी हो गई है। अब हमें बैठक अवस्था में आकर के अपने पैरों की हलचल हमें करनी है और फिर हम बैठक अवस्था में 2 से 3 आसन देखेंगे, आसन करेंगे। सबसे पहले हमें अब अपने बाएं अंग पर आकर के बैठक अवस्था में आना है। दोनों पैरों को सामने रखकर अपने हाथों को अपने दोनों नितंबन के पास रखना है, राइट और लेफ्ट साइड की तरफ। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खींचकर दोनों पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को सामने की ओर हमें खींचना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना खींचना है। रिलैक्स, अपनी ओर खींच रहा है। रिलैक्स, अब हमें दोनों पैरों को एक साथ अपने शून्य के पास लेके आने के पश्चात हमें दोनों पैरों के टोच को एक दूसरे से लगाकर दोनों पैरों के घुटनों को अप डाउन करना है, ऊपर नीचे करना है।
रिलैक्स। इसे ही अब हमें भद्रासन भद्रासन करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर फिर हमें दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे की ओर लेके जाते हुए अपने दोनों घुटनों को नीचे मैट पर दबाने की कोशिश करनी है और आसन स्थिति को होल्ड करना है। स्ट्रेट बैठना है, बैक स्ट्रेट रखनी है। रिलैक्स। अब हमें एक पाद पश्चिमोत्तानासन करना है। एक साथ दोनों हाथों को हमें अपने बाजू में रखकर अपने राइट पैर के थाइस के नज़दीक रखकर और लेफ्ट पैर के नितंबन के नज़दीक रखकर दोनों हाथों को हमें एक साथ ऊपर की ओर लेके जाना है। सबसे पहले साइड की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते ही हमें सामने की ओर झुकना है। हमने अभी बायां पैर सामने की ओर रखा है दंडासन अवस्था में और अपना दाहिना पैर जो कि हमने फोल्ड किया हुआ है और दाहिने पैर का पंजा हमने अपने बाएं पैर के थाइस को नीचे वाले भागों में लगाकर आसन की स्थिति ली हुई है। सांस छोड़ते ही सामने की ओर झुकना है। दोनों हाथों से पंजा, अंगूठा या उंगलियां पकड़कर हमें नीचे की ओर झुकना है और आसन पूरा करना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को फिर एक बार सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है। जैसे कि हमने आसन की स्थिति ली थी वैसे हमें आसन की स्थिति छोड़नी है। अब हमें ऑपोजिट पैर से करना है। अपना बाएं पैर फोल्ड करके अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के जांघों के नीचे वाले भाग में लगाकर हमें दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकना है। रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर साइड में लेके जाते हुए अपने पूर्व अवस्था में लाना है।
और आसन को छोड़कर दोनों पैरों को दंडासन अवस्था में लेके आते हुए पूर्व स्थिति में आकर हमें संदश्वसन करना है। मैं विपरीत स्थिति में आकर अपने चिन को अपने मैट के ऊपर हमें रखना है। दोनों पैरों के टोच को हमें पकड़कर बारी बारी से नीचे की ओर दबाने की कोशिश करनी है, जैसे कि इडी को मैट पर लगाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, धीरे धीरे करना है, जितना अपना शरीर सह सकता है उतना ही हमें अपने पैर को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, चंद श्वसन, अब हमें दोनों पैरों को एक साथ पकड़ के नीचे दबाने की कोशिश करनी है, जैसे कि ईडी को मैट पर लगाने की कोशिश करनी है, और दोनों हाथों को अपने टोच के ऊपर रखकर हमें ये प्रक्रिया इस अवस्था में जाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, जितना हो सकता है उतना ही हमें अपने पैरों को नीचे की ओर दबाना है, ज्यादा दबाने की कोशिश नहीं करनी है। किसी साधक का लिगामेंट या नीज फ्रैक्चर हुआ है, क्रैक गया हुआ है, या स्क्रू डाले हुए है, बड़ी सर्जरी हुई है नीज की, काफ की, या एंकल की, या टोज की, पैरों के मामले में जिसकी भी बड़ी इंजरी हुई है, कोई दिक्कत हुई होगी,
तो आपको इस व्यायाम को करना नहीं है। करने से पहले आपको पूछना है, अब हमें दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे हमें हाथों को रखना है, हाथों के पाल्म्स को रखना है, तल हाथों को रखना है और सांस लेकर हमें पीछे की ओर झुकना है, भुजंगासन करना है। धीरे धीरे आसन को हमें छोड़ना है, सांस छोड़कर हमें पूर्वावस्था में आकर संत श्वसन करना है। अब हमें अर्धभुजंगासन करना है। दोनों हाथों को अपने एल्बोज से लेकर के अपनी कोहनियों से लेकर के अपने फिंगर तक, पाल्म्स तक हमें शरीर को नीचे रखना है, मैट के ऊपर रखना है और शरीर का नाभि तक का भाग हमें ऊपर उठा करके अर्धभुजंगासन करना है। दोनों हाथों को हमने कोहनियों से लेकर के पाल्म्स तक नीचे रखा। अब हमें सांस लेकर के पीछे की ओर नाभि तक ऊपर उठना है। और आसन करना है। सांस छोड़ते ही हमें नीचे आना है, पूर्वावस्था में आकर हमें मकरासन अवस्था में आकर मकरासन करना है। दोनों पैरों के टोज को हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, जैसे कि राइट पैर का टोज राइट साइड की ओर और लेफ्ट पैर का टोज लेफ्ट साइड की ओर, दाहिने पैर का पंजा दाहिने साइड की ओर दाहिने दिशा की ओर और बाएं पैर का पंजा बाएं दिशा की ओर रख करके हमें दोनों पैरों के इडियों को हील को एक दूसरे के सामने की तरफ रखना है और दोनों हाथों को फोल्ड करके घड़ी करके हमें अपनी गर्दन अपने दोनों हाथों के ऊपर रखनी है, राइट या लेफ्ट साइड की तरफ अपनी गर्दन हमें रखनी है। हमें अपनी चिन को अपनी हाथों के ऊपर ऐसे करके नहीं रखना है, सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर अपना चीक जब तक टच नहीं करता, हमारे गाल जब तक टच नहीं करते तब तक हमें अपनी गर्दन को रखना है।
संत श्वसन करना है, विश्राम कारक आसनों में से एक माना जाता है मकरासन। अब हमें बैठक अवस्था में आकर ध्यान अवस्था में बैठना है और 2 मिनट तक ध्यान करना है। उसके पश्चात 3 ओंकार लेकर के हम शांति पाठ लेकर हम आज के इस योग सत्र की समाप्ति करेंगे। बैठक अवस्था में हमें आना है। सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में स्थिर बैठना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा हमें अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखकर हमें दोनों हाथों के कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या नज़दीक लेके जाना है। दोनों कंधों को ढीला छोड़ना है। संत श्वसन, दोनों आँखों को बंद करना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, पीठ को स्ट्रेट रखना है। संत श्वसन करना है, दोनों आँखों को अपने जो जो आसन किया, जो जो प्राणायाम, जो जो शारीरिक व्यायाम किया उसकी तरफ ध्यान लगा करके हमें अपने मन से बात करनी है कि आज हमने कितनी देर तक आसन किया, कौन सा आसन किया, आसन का नाम क्या था, आसन का काम क्या था, इससे फ़ायदा क्या होगा, किस व्यक्ति को फ़ायदा होगा, ये सब बातें हमें अपने मन के अंदर सोचनी है। आसन के पश्चात वाला ध्यान या मौन साधना हमें उसी कार्य का पता बता देती है कि हमने जिस कार्य किया, जो भी कार्य किया वो कार्य सचमुच बराबर किया क्या, ठीक से किया क्या, हम मौन अवस्था के पश्चात 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी सांस लेकर के हमें ओंकार का उच्चारण करना है दोनों हाथों को
जोड़कर नमस्कार अवस्था में अपने सीने के सामने रखकर हमें शांति पाठ बोलना है। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर हमें अपने आंखों के ऊपर लगाकर हमें दोनों आंखों को खोलना है। आत्मा मालिक, आज का ये पूरा योग सत्र परम पूजनीय सदगुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ, और आज के इस योग सत्र से अपना राजीनामा लेता हूँ। आत्मा मालिक।